आज के दिन जब हम यहाँ संविधान की बात कर रहे हैं, तो हमारे उसी शहर में और पूरे देश में एक दूसरा माहौल भी खड़ा किया जा रहा है, वह राम मंदिर के नाम पे। उन्होंने ये भी बताया कि एक संविधान दिवस तो अभी कुछ सालों से चालू हुआ इसका मनाना, इसके पहले 6 दिसंबर हम हर साल मनाते थे, और 6 दिसंबर का दिन ही चुना गया था बाबरी मस्जिद को तोड़ने के लिए। तो मैं आपके सामने ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो हमें धर्म के नाम की राजनीति लगती है, वो वास्तव में उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने जो निष्कर्ष हैं उसको पहले बता देता हूँ और उसको समझने के लिए आपके सामने उसको सिद्ध करने की कोशिश करूँगा। वास्तव में पिछले 30 साल से थोड़े रूप पे और पिछले 4.5 साल से जो बहुत खतरनाक तरीके से समाज में चालू है, वो धर्म के नाम की राजनीति का धर्म से, धर्म के नैतिक मूल्यों से, धर्म के प्रेम मोहब्बत से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। वो ऐसा बताती है कि समाज के अल्पसंख्यक समुदाय एक विशेष समुदाय के खिलाफ है, पर मेरी समझ ये है कि धर्म के नाम की राजनीति भारत में इसलिए लाई गई, इसलिए उसको मजबूत किया जा रहा है ताकि यहाँ के दलितों को, स्त्रियों को, आदिवासियों को बराबरी का अधिकार न मिले। ये मेरी मुख्य समझ है। तो मैं इसमें दो बातें बताना चाहता हूँ। एक, धर्म के नाम की राजनीति भारतीय संविधान के लिए मुख्य खतरा है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, मेरे शरीर में 10 बीमारियाँ हो सकती हैं, बड़ी बीमारी, छोटी बीमारी। मैं आज छोटी बीमारियों की बात नहीं करने वाला, मैं जो बड़ी बीमारी हमारे संविधान को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, केवल उसी के बारे में अपनी चर्चा रखूँगा। और वो जो है, मैंने बताया कि ऊपर से वो लगता है कि वो धर्म का काम कर रही है, पर वास्तव में हमारे समाज में जो परिवर्तन हुए, परिवर्तन क्या हुए, परिवर्तन को एक शब्द में मैं रखना चाहूँगा, जिस शब्द का उपयोग भगवान गौतम बुद्ध ने किया था, और जिस शब्द के चारों तरफ चलकर डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पूरे राजनीतिक आंदोलन की आधारशिला रखी, और वो शब्द है समता, बराबरी, इक्वालिटी। हमारे संविधान में जो 3 मुख्य शब्द हैं, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, उसमें मैं केवल एक ही शब्द को आज लेकर चलूंगा, समता। एक विषमता वाले समाज में समता कैसे लाई जाए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, और भारत में ये चुनौती और भी ज़्यादा है, क्योंकि भारत की जो विषमता, ऊंच नीच है, उसको धर्म के आधार पर जोड़ दिया गया था। और ये विषमता क्या थी? 2 प्रकार की विषमता मुख्य होती है। एक होती है जाति के आधार पर, और दूसरी होती है लिंग के आधार पे। द हायरार्की ऑफ कास्ट एंड जेंडर, इसकी जो ऊंच नीच हमारे समाज में थी, उसी को बनाए रखने के लिए आज धर्म के नाम की राजनीति समाज में चल रही है। ये बात मैं आपको क्लियरली शुरुआत से ही कहना चाहता हूँ। तो खैर, भारत में वैसे तो भगवान गौतम बुद्ध, जिनको डॉक्टर अंबेडकर ने अपना पहला गुरु माना, क्यों माना? क्योंकि उस समय एक विषमता का समाज था। गौतम बुद्ध का मुख्य जो संघर्ष था, समाज की विषमता के खिलाफ में था। जो 4 वर्ण थे, उन वर्ण के कारण समाज में जो समस्या हो रही थी, उस पर उनका ध्यान गया, और उन्होंने समता मूलक समाज के लिए काम करने का अपना लक्ष्य रखा। खैर, यही बात जब हम देखते हैं तो उसको इस रूप में देखना चाहें कि इसी के साथ डॉक्टर अंबेडकर ने संत कबीर को अपना दूसरा गुरु माना। कई बार बड़ा आश्चर्य होगा कि वो तो एक संत हैं, और आपको तो आजकल पता होगा आजकल के संत कैसे होते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूज मत कीजिएगा। कोई बिजनेस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई जेल में पहुंच रहा है 1000 कारणों से। तो संतों की जब मैं बात करता हूं तो मुझे बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है, सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि समाज में ऐसे भी संत हुए हैं जिन्होंने समता के लिए अपने पूरे जीवन को समाज की सेवा में लगा दिया, और उनमें संत कबीर का नाम सबसे आगे आता है, इसलिए अंबेडकर जी ने उनको अपना दूसरा गुरु माना। और संत कबीर ने जात पात के खिलाफ जो रचना की, वो मेरे ख्याल से एक बहुत महत्वपूर्ण रचना थी, क्योंकि उनके सामने भी मुख्य मुद्दा ये था कि ये विषमता का समाज है, इसमें ऊंच नीच चल रही है, इस ऊंच नीच के खिलाफ उन्होंने अपनी बात रखी। और निश्चित रूप से जो समाज के धर्मगुरु थे, हिंदू समाज के धर्मगुरु
और मुस्लिम समाज के धर्मगुरु दोनों उनके खिलाफ खड़े हो गए। और तीसरे अंबेडकर जी के तीसरे गुरु ज्योतिराव फुले आधुनिक परिप्रेक्ष्य में आते हैं और वो दलितों के लिए शिक्षा जो उस समय तक उपलब्ध हो गई थी पर दलित डरकर उस शिक्षा के लिए नहीं जाता था, उनके लिए उन्होंने एक प्रेरणा का स्रोत वो बने कि आप धर्म ग्रंथों के पीछे क्यों जाते हो, धर्म ग्रंथों के बदले आप आधुनिक शिक्षा को प्राप्त कीजिए, यही आपकी मुक्ति का मार्ग होगा। तो ये तीन डॉक्टर अंबेडकर के जो जिनको वो अपना गुरु मानते हैं उनकी मुख्य बात जो मैं आत्मसात करना चाहता हूँ, मैं समझना चाहता हूँ, वह समता के सिद्धांत। तो भारत में जब हम महात्मा ज्योतिराव फुले की बात करते हैं जिनके बाद में डॉक्टर अंबेडकर आते हैं तो उसका एक परिप्रेक्ष्य समझने की ज़रूरत है। परिप्रेक्ष्य यह है कि कई बार आज बहुत बड़ा कन्फ्यूजन भ्रम हमारे मन में पैदा किया गया कि यह समाज सतत रूप से हमेशा से ऐसा ही था। तो अपने आप को सवाल पूछिए, पहले राजाशाही थी, राजाशाही के पहले पशुपालक समाज था, पशुपालक समाज के पहले शिकारी समाज था, तो क्या उन समाजों में भी इस प्रकार का संविधान रहता था? तो ये सोचिएगा। खैर, मनुस्मृति का उल्लेख आप ज़रूर कर सकते हैं पर जिस प्रकार का दर्जा आज के संविधान को है उस प्रकार का एक अप्रत्यक्ष दर्जा मनुस्मृति को भी उस प्रकार था और उसने जो कानून दिए हैं वो हम समझने की कोशिश करेंगे। खैर, तो ज्योतिराव फुले और उनके बाद भीमराव बाबा साहब अंबेडकर, इनकी यात्रा की जो पृष्ठभूमि है वो भारत में होने वाले परिवर्तन, जो अंग्रेजों के आने के बाद आए। निश्चित रूप से मैं ये कहूँगा कि समाज हमेशा बदलता रहता है, समाज स्थायी नहीं होता। आपको ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो संविधान के विरोध में खड़े हैं, जो पुराने मूल्यों की बात करेंगे, शाश्वत मूल्यों की बात करेंगे, सनातन धर्म की बात करेंगे, उन्हें लगता है कि समाज हमेशा से वैसा ही बना रहता है। मेरे अनुसार समाज हमेशा बदलता रहता है और जैसे समाज में उत्पादन की क्रिया बदलती है, उत्पादन की प्रक्रिया बदलती है, हमारे आपस के नियम भी समाज में बदलते रहते हैं। तो आज की हमारी जो पृष्ठभूमि है वो है वो समाज जिसमें अंग्रेजों का आगमन हुआ। अब यहाँ थोड़ा हम समझ लें और ये मेरी बात का मुख्य केंद्र बिंदु है कि आज जो धर्म के नाम की राजनीति भारतीय संविधान को समाप्त करना चाहती है उसकी जड़ कहाँ है। ये जड़ अगर समझ गए, इस राजनीति का बीज समझ गए, तो हम निश्चित रूप से भारतीय संविधान के खिलाफ जो चुनौतियाँ हैं उनको एक आसानी से समझ सकेंगे। तो ख्याल कीजिए, पहले के समाज के बाद, राजाशाही के समाज के बाद भारत में ब्रिटिश आए। अब ब्रिटिश के आने के पहले मैं थोड़ा सा राजाशाही समाज में इसलिए जाना चाहता हूँ क्योंकि आजकल हमारे दिमाग में राजा 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 बहुत भरे पड़े हैं और ख़ास तौर से हिंदू राजा वर्सेस मुस्लिम राजा, वो हमारे दिमाग में इतने भर दिए गए हैं कि राजाशाही क्या थी। राजाशाही जो गरीब किसानों के शोषण का एक बड़ा हथियार था, उस शोषण की प्रक्रिया को हम भूल गए और केवल हिंदू राजा वर्सेस मुस्लिम राजा की बात हम करने लग गए, हमारे दिमाग में यही चल रहा है। तो राजाशाही में जो सिद्धांत था, राजाशाही में मुख्य सिद्धांत था ऊंच नीच का, गैर बराबरी का। और ये गैर बराबरी का भारत के संदर्भ में अगर देखें तो ये गैर बराबरी का सिद्धांत ये दलितों के बारे में था, वर्ण व्यवस्था की मजबूती के बारे में था और साथ ही स्त्रियों के दुय्यम दर्जे के स्थान के बारे में था। तो अंग्रेजों के शासन में आने के पहले थोड़ा समय इस राजाशाही के बारे में आपके साथ चलना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि आजकल हमारे दिमाग में बहुत चलता रहता है, मेरे महान हिंदू राजा, वो खतरनाक मुस्लिम राजा, वो आतंकवादी मुस्लिम राजा। और एक्चुअली यहाँ जो चलता है उसका मिरर इमेज, उसका पूरा पूरा उल्टा पाकिस्तान में भी चलता है। पाकिस्तान में भी यही होता है, मुस्लिम राजा वेरी ग्रेट, हिंदू राजा बहुत कायर। तो ये बात हम क्लियर कर लें कि जो उस समय संघर्ष था वो हिंदू वर्सेस मुस्लिम में नहीं था, उस समय का जो मुख्य संघर्ष था वो था राजा जमींदार का किसान के खिलाफ शोषण, नंबर एक। नंबर दो, स्त्रियों को नियंत्रण में रखकर, पैट्रियार्की शब्द का जो इस्तेमाल किया जाता है उसका इतना आसान हिंदी शब्द नहीं है, पुरुष प्रधान, पुरुष केंद्रीय समाज, एक तरफ किसानों का शोषण, दलितों का शोषण और दूसरी तरफ पुरुष केंद्रीय समाज, ये राजाशाही की नींव थी।
उसमें खैर हमारे दिमाग का जो जहर है वो ऐसा मानता है। तो मैं पहले इस बात को सिद्ध करना चाहता हूँ कि हिंदू वर्सेस मुसलमान लड़ाई नहीं थी। थोड़ा सा इसके लिए ये विषय को मैं जोड़ने के लिए आपको निवेदन करूँगा। तो जैसे आप देख लीजिए अपने महाराष्ट्र में, थोड़ा सा मैं आपकी मदद चाहूँगा, अपने महाराष्ट्र में तो एक वास्तव में अच्छे राजा हो गए हैं और वो अपने महाराष्ट्र में बहुत पॉपुलर भी हैं। क्या नाम है उनका? छत्रपति शिवाजी महाराज। पूरा नाम बोलना चाहिए, हाँ छोटा नाम नहीं बोलना चाहिए, आजकल प्रॉब्लम हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनके नाम पे हमारा रेलवे स्टेशन है, मुंबई का एयरपोर्ट है, हमारा पार्क है। और आपको एक खबर दे दूँ मुंबई की कि हमारा जो वड़ा पाव होता है ना, उसको भी हम आजकल शिव वड़ा पाव बोलते, उससे वो ज़्यादा टेस्टी भी हो गया, कभी आके खाइएगा। अब खैर, शिव वड़ा पाव, शिवाजी महाराज वगैरह वगैरह, अब ऐसा बताने की कई लोगों ने कोशिश की। और किन लोगों ने कोशिश की? आजकल वो अयोध्या में हैं। 30-40-50 साल पहले वो हमारे बम्बई में प्रोपोगंडा करते थे कि शिवाजी महाराज मुसलमानों के दुश्मन थे। अब उस समय मैं खैर प्रोफेसर पढ़ाता था, मेरा हिस्ट्री से क्या लेना देना मैं, पर उनके पूरे प्रोपोगंडा को देखकर, क्योंकि शिवाजी महाराज के नाम से उन्होंने अपनी पार्टी भी बनाई, तो मैं फिर सोचा भैया चलो थोड़ा शिवाजी महाराज का अध्ययन कर लो, ये मुसलमानों के दुश्मन थे क्या, कैसे थे। तो एक मेरी एक घटना आई मेरे सामने, उसको मैं थोड़ा सा रूपांतरित करके कहानी के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपको पता होगा वो शिवाजी महाराज की लड़ाई उससे हुई थी ना, अफजल खान, ठीक है, अफजल खान। तो शिवाजी महाराज अफजल खान को मिलने जाने वाले थे और उनकी योजना थी कि वो बिना हथियार को लिए जाएंगे, बिना हथियार के जाएंगे। तो उनके एक दोस्त को पता चला, साथी को पता चला, तो उन्होंने शिवाजी महाराज को पूछा, आज अफजल खान को आप मिलने जा रहे हैं, बिना हथियार के मिलने जा रहे हैं, तो मुझे ज़रा ये बताइए कि आपकी हाइट क्या है, ऊंचाई क्या है। थोड़ा मैं कहानी में रूपांतरण कर रहा हूँ, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो शिवाजी महाराज जवाब दिया होगा, उन्होंने जवाब दिया होगा, मेरी ऊंचाई होगी 5'6". बोले आप किसको मिलने जा रहे हैं? बोले अफजल खान को मिलने जा रहा हूँ। तो बोले अफजल खान की हाइट क्या है? तो बोले अफजल खान की हाइट तो 6 फुट से भी ज़्यादा है। फिर दूसरा सवाल, महाराज आपका बॉडी साइज़ क्या है? बॉडी साइज़ तो आजकल बड़ा आसानी से समझ जाता है ना, पुरुषों का रेडीमेड शर्ट, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। तो महाराज ने कहा होगा मेरा बॉडी साइज़ अगर रेडीमेड शर्ट के रूप में कहा जाए तो लार्ज साइज़ होगा। बोले अफजल खान के शर्ट का साइज़ क्या होगा, गेस करो आप, लार्ज, XXX लार्ज। तो बोले वो XXX लार्ज वाले, आप लार्ज वाले बिना हथियार के मिले तो आपका वो मर्डर कर सकते कि नहीं। महाराज ने बोला ओके, तो मैं क्या करूं? बोले आप बिना हथियार के मत जाओ, ये गुप्त हथियार साथ में लेकर जाओ। पहचाना इस गुप्त हथियार को? कायमन तैला वागनक। और उस उनके मित्र का, साथी का नाम था रुस्तमे जमान। कहां हिंदू कहां मुसलमान, फैसला आप पे छोड़ते जाऊंगा मैं लगातार। महाराज गए, अफजल खान ऊपर वेट कर रहा था, महाराज आए, अटैक किया, गला पकड़ा, महाराज ने अपना वाघनक निकाला, उसके पेट में डाल दिया। अफजल खान चित हो गया, नीचे गिर गया। तो अफजल खान की तरफ से उनका सचिव सेक्रेटरी आया, उसने अपनी तलवार निकाली और महाराज को मारने की कोशिश की। और अफजल खान के सचिव का नाम था कृष्णा जी भास्कर कुलकर्णी। कौन हिंदू कौन मुसलमान, आई डोंट नो। अब ये हमारे दिमाग में जो जहर है कौन निकालेगा, उसका फैसला भी मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। खैर, फिर वो एक राजा को इंडिया में बहुत ख़राब माना जाता है, वेरी बैड, उसने तलवार की नोक पर इस्लाम फैलाया, शिवाजी महाराज से उसकी दुश्मनी थी, शिवाजी महाराज उसके दरबार में गए थे, उसे उसने आदर नहीं किया। नाम पहचान गए होंगे, औरंगज़ेब। मज़े की बात यह है, एक बार मैं 8-10 साल पहले पाकिस्तान गया था, डरिए मत, सुरक्षित आ गया। अब पाकिस्तान गया तो वहाँ मैंने पूछा, भैया बताओ इस एरिया में होने वाला सबसे अच्छा सबसे महान राजा कौन था? क्या जवाब मिला वहाँ पाकिस्तान में? औरंगज़ेब। यहाँ तो खैर उल्टा ही जवाब मिलता है, मुझे कोई लेना देना नहीं है औरंगज़ेब अच्छा हो के बुरा हो। मुझे एक ही बात आपको बताना है कि औरंगज़ेब की तरफ से शिवाजी महाराज से जो वाटाघाटी, बातचीत, झगड़ा करने आता था, औरंगज़ेब के उस अधिकारी का नाम था राजा जय सिंह। इसमें हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है। और अंतिम बात इतिहास की, जो मेरे ख्याल से मैं अपने दिमाग की सफाई के लिए करना चाहता हूँ,
आजकल खैर रिसर्च तो हमेशा होता रहता है, हमारे रतन लाल जी यूनिवर्सिटी में हैं, वो तो ज़्यादा जानते होंगे, यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च बहुत होता है। आजकल तो राजस्थान में मंत्री लोग भी रिसर्च कर रहे हैं। तो क्या रिसर्च कर रहे भैया? वो बचपन में मैंने यही नागपुर में पढ़ते पढ़ते स्कूल में पढ़ा था कि अकबर और राणा प्रताप की लड़ाई हुई थी, अकबर उसमें जीत गए, राणा प्रताप हार गए, ये मैंने पढ़ा था, पता नहीं आपने क्या पढ़ा। राजस्थान में वो मंत्री महोदय ने रिसर्च किया, बोले ऐसा कैसा हो सकता है, हमारा हिंदू राजा कैसे हार सकता है, मुसलमान राजा कैसे जीत सकता है, इतिहास को बदल दो। बदल दिया, क्या हो गया? अभी अकबर हार गया, राणा प्रताप जीत गया। मैंने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, मैंने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कौन राजा जीते कौन राजा हारे आई डोंट केयर, पर केवल एक ही बात मत करो, इसको हिंदू मुसलमान की लड़ाई मत बताओ। क्योंकि मैंने हल्दीघाटी के मैदान का स्टडी किया, मैंने स्टडी किया, ये लड़ाई हुई थी हल्दीघाटी के मैदान में। हल्दीघाटी के मैदान में एक तरफ थी अकबर की फौज, एक तरफ थी राणा प्रताप की फौज। फौज का एनालिसिस किया तो पता चला अकबर की फौज में अकबर खुद गायब है, और पता नहीं उस समय कैजुअल लीव सिक लीव क्या होती थी, पर वो नहीं है। तो अकबर की तरफ से कौन है? अकबर की तरफ से जो आया उसका नाम है राजा मान सिंह। राजा मान सिंह के अंडर में बहुत सारे हिंदू सैनिक, बहुत सारे मुसलमान सैनिक। एक बात का जवाब दे दीजिए, अकबर की फौज में केवल मुसलमान है या हिंदू मुसलमान दोनों हैं? दोनों हैं। अब जाता हूं मैं राणा प्रताप जी की तरफ देखते हुए, और देखता हूं कि राणा प्रताप खुद अपनी सेना का नेतृत्व कर रहे हैं, वेरी गुड। और राणा प्रताप के एक बड़े जनरल का नाम है हकीम खान सूर। फिर से सवाल, राणा प्रताप की फौज में केवल हिंदू है या हिंदू मुसलमान दोनों हैं? दोनों हैं। दोनों तरफ हिंदू है? यस नो? यस। दोनों तरफ मुसलमान है? यस। तो ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई है कि दो राजाओं की लड़ाई है? दो राजाओं की लड़ाई है। ये लड़ाई धर्म के लिए कि सत्ता के लिए? सत्ता के लिए। राजस्थान के वो मंत्री महोदय को मेरा स्पीच अगर पहुंच गया तो मुझे आप बचा लीजिएगा, आपके भरोसे पे सब कह रहा हूं। सरकार जाने वाली है सर, आपके मुंह में घी शक्कर या मटन कबाब जो भी आपको अच्छा लगे, वेरी गुड। अब इस प्रकार की चीजों में अंतिम एक बात, अब आपको पता होगा अकबर के दरबार में नवरत्न थे, यस नो? यस। उसमें कुछ नवरत्न हिंदू थे, नाम बताइए। बीरबल का नाम ऑटोमेटिक आ जाता है, क्योंकि बीरबल जोक सुनाता था और इसलिए वो जोक सुनाने वाले ज़्यादा पॉपुलर होते। पर एक और राजा था अकबर के नवरत्नों में, उसका नाम था राजा टोडरमल। अब राजा टोडरमल का नाम मैं नहीं भूलता, क्यों? क्योंकि राजा टोडरमल अकबर के दरबार के सबसे महत्वपूर्ण ऑफिसर थे, क्योंकि राजा टोडरमल अकबर के दरबार में वही काम करते थे जो आज मोदी सरकार में अरुण जेटली करते हैं। काय करता थे? तो यहां ये हिंदू मुस्लिम जो डिस्कोर्स बताया गया, वास्तव में उसका उद्देश्य है कि यहां की जाति व्यवस्था, यहां की पुरुष प्रधान समानता, उसको छुपाया जाए, और हम इस हिंदू मुसलमान के डिबेट में पार्टिसिपेट करते रहें और ये भूल जाएं कि यहाँ ऐसी परंपराएं हुई हैं जिन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों को जोड़ा है। आज धर्म के नाम पर खून की नदियाँ बहाई जा रही हैं, उसका उद्देश्य भी हम समझ लें। आज धर्म के नाम पर खून की नदियाँ बहाई जा रही हैं, और एक ऐसा भी समय था जब धर्म के नैतिक मूल्यों के आधार पर संतों ने समाज में मेल जोल पैदा किया। और इसलिए केवल दो संतों के नाम मैं बताऊंगा, एक संत का नाम तो मैंने आपको बताया संत कबीर। बताइए संत कबीर को मानने वाले हिंदू थे मुसलमान थे या दोनों थे? दोनों थे। ये बताइए सूफी संत की दरगाह पे हिंदू जाता है मुसलमान जाता है या दोनों जाते हैं? दोनों जाते हैं। दोस्तों धर्म की एक परिभाषा समझ लीजिए, संत कबीर डॉक्टर अम्बेडकर के दूसरे गुरु संत कबीर पर आता हूं। संत कबीर लिखते हैं पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। कठिन हिंदी है, इसलिए अपने महाराष्ट्र के एक महान शिक्षक ने इसका रूपांतरण एक प्यारी सी प्रार्थना के रूप में किया है। मराठी तो है ते आपण मला सांगणार, खरा तो एक ची धर्म जगाला प्रेम अर्पावे।
और आज जो धर्म के नाम पे अयोध्या में इतनी बड़ी मीटिंग कर रहे हैं ताकि हम संविधान को भूलकर मंदिर मस्जिद के विवाद में पड़े जाएं, उसमें प्रेम नहीं नफरत है। जहाँ नफरत होती है वहाँ धर्म नहीं होता, वो धर्म के नाम की राजनीति होती है। प्लीज़ नोट, धर्म वो चीज़ है जो इंसान को इंसान से जोड़ता है और राजनीति वो है जो लोगों को बांटती है। खैर, ये इसका संदर्भ हम समझेंगे। अब ये एक मध्ययुगीन काल है, इसमें हमारी सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, कला, एक उल्लेख कर दूं, आजकल वही राजनीति, अब आप पहचान लेंगे वही राजनीति से मेरा क्या तात्पर्य है। वही राजनीति जिसका हेड ऑफिस यहाँ से 12-14 किलोमीटर के दूर पे है, राइट? वही राजनीति, जो राजनीति वाले जो पहले हाफ पैंट पहनते थे, आजकल फुल पैंट। खैर, अब वो राजनीति के लोग आजकल एक बड़ा काम कर रहे हैं, बोले हम नाम बदलेंगे। नाम बदलने की राजनीति चल रही है, अयोध्या का फैजाबाद कर दिया, अलाहाबाद का क्या कर दिया, अलाहाबाद का प्रयागराज कर दिया, फिर जो उनके मन में आया कर दिया। तो एक बड़े इतिहासकार भारत में हैं, प्रोफेसर इरफान हबीब। इरफान हबीब साहब को पूछा गया, सर ये क्या हो रहा है, ये लोगों के नाम बदले जा रहे हैं, ये शहरों के नाम बदले जा रहे हैं। तो बोले, एक संस्कृति, हमारी जो मिली जुली संस्कृति, सभ्यता, साहित्य, कला है, उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। और ख़ास तौर से यहाँ जो मुसलमानों का योगदान है, यहाँ जो गरीब मुसलमानों का, धनी मुसलमानों का योगदान, उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने एक बड़ी मज़ेदार बात कही, आप सुनिएगा क्या कहा उन्होंने। उन्होंने कहा, नाम बदलना है तो पहले अमित शाह का नाम क्यों नहीं बदलते, क्योंकि शाह शब्द जो है वो ईरान से आया था, शहनशाह, बादशाह वगैरह वगैरह सब उधर के आए। फिर एक दोस्त ने कहा, अगर नाम ही बदलना है तो हिंदू नाम क्यों नहीं बदलते। हेलो, हिंदू नाम भी पर्शियन लोगों ने दिया हुआ है, उसका जो भी मतलब है उसमें मैं नहीं जाना चाहता, पर उनकी राजनीति बहुत खतरनाक तरीके से आक्रमण कर रही है। जो चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं उन चीज़ों को समाज के सामने रखो, वो नाम बदलने का मुद्दा हो, वो फिर खाने पीने का मुद्दा हो। मैं आ रहा हूँ, मैं अपनी ट्रैक भूला नहीं, वापस आऊँगा। बीच में खाने पीने की याद आ गई मुझे, आजकल बेचारे बड़े परेशान हैं कि हमारी एक माता है, कुछ लोग उसको खाता है तो हम उनको ठीक ठाक कर देंगे। अब आपको तो पता होगा किसकी मैं बात कर रहा हूँ, कहना खतरनाक है इसलिए मैं थोड़ा इशारों में बात कर रहा हूँ। बीफ का मुद्दा, भाई जो बीफ खाएगा हम उसको ख़त्म कर देंगे। तो दो चीज़ें केवल कहना चाहूँगा, स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर मैंने कुछ लिखा और एक बात मेरी नज़र में आई। स्वामी जी लिखते हैं, वैदिक काल में गाय का मांस बीफ खाया जाता था। मैं हैरान हो गया, इधर से तो विवेकानंद जी के जन्मदिन मनाते हैं और ऊपर से बीफ के नाम पे लोगों की हत्या करते हैं। और तो और, उनके डबल स्टैंडर्ड्स देखिए, गोवा केरल और नॉर्थ ईस्ट में बीफ इज़ नो प्रॉब्लम, खाइए, कल्चर का भाग है, बाकी जगह खाओगे तो मार खाओगे। तो इसी पढ़ते इसी सिलसिले में एक और चीज़ मेरे नज़र में आई, वो अपने एक पहले प्रधानमंत्री थे ना जो कविताएं भी लिखते थे, हाँ वही, उनकी एक किताब मेरे हाथ में आई। तो आपको पता होगा वो खाने पीने के थोड़े शौकीन थे, क्या पीते वो नहीं मैंने बोला, खाने पीने के शौकीन थे। तो उनकी किताब में लिखा है, वो एक बार अमेरिका गए थे और अपने खाने का आनंद ले रहे थे, अच्छे से खा रहे थे, हैप्पीली, गुड खा रहे थे। तो उनके बाजू में किसी ने कहा, अटल जी आप जो खा रहे हो ये तो बीफ है। अटल जी को नो टेंशन, और ज़ोर से हंस दिए, बोले बीफ है ना, तो कोई ये इंडियन गाय का थोड़ी है, ये अमेरिकन गाय का है, वेरी गुड। अब खैर, वो बीफ का मुद्दा भी आ गया, गरीब किसान अपनी गाय का जो करता था उस पर भी संकट आ गया वगैरह। तो ये मुद्दे जो लाए गए, किस प्रकार की राजनीति ने लाए, और उसी में बीच में थोड़ा सा ये भी उल्लेख कर दूँ, यही राजनीति जो हमारे पीछे एक बड़े मुसीबत के रूप में पड़ी है पिछले 4.5 साल में। ख्याल कीजिएगा, पिछले 4.5 साल में बीफ का मुद्दा जब आया, 90 से ऊपर मुसलमानों का लिंचिंग किया गया। रतनलाल जी से मैं निवेदन करने वाला हूँ, लिंचिंग के लिए एक अच्छा हिंदी शब्द मुझे बताइए जो मैं उतने अधिकार से उसका उपयोग कर सकूँ, क्योंकि मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है। 90 मुसलमानों का करीब लिंचिंग किया गया 4 सालों में, और कई दलितों की हत्या और उना के दलितों को मारपीट हुई। याद रखिएगा,
जो चीज़ों से मुस्लिम समाज को परेशानी है उसी चीज़ों से दलित समाज को भी तकलीफ़ होती है। ये मेरी समझ का एक भाग है, क्योंकि दोनों समाज के एक ही आर्थिक कैटेगरी में से, एक ही आर्थिक उसमें से आते हैं। तो पिछले 4 साल में जो हुआ हमने देखा, कहीं रोहित वेमुला का केस हो रहा है, ऊना में दलितों पे हो रहा है, पेरियार स्टडी सर्कल आईआईटी मद्रास में बंद किया जा रहा है। ये सब चीज़ें जो अकस्मात नहीं हुई है, इसके पीछे एक योजनाबद्ध राजनीति है। और ये राजनीति जो है, सॉरी, ये जो राजनीति है जो हमारे संविधान का मुख्य विरोध कर रही है, ये कैसे आई, ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो मैं बात कर रहा था राजाओं की, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, जो पूरा झूठ है। भारत की सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, कला, ये मिलीजुली चीज़ है। तो इसमें अंग्रेज़ आते हैं। अब आप मेरे साथ चलिए, बताइए भारत में अंग्रेज़ क्यों आए? आप बोलेंगे व्यापार करने, यस। कि व्यापार करके रुक गए क्या? नहीं, उन्होंने यहाँ क्या किया? राज किया। और नंबर तीसरा, वो यहाँ की संपत्ति का क्या किया उन्होंने? यहाँ की संपत्ति लूट कर ले गए। अब ये बात पहली बार हुई कि लूट मार सभी राजा की सेनाएं करती थी। क्या लगता है आपको? यस नो? यस। आपने छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी सेना ने कभी लूट मार की क्या? की, सूरत में की, बंगाल में की। सेना का करैक्टर अलग होता है, उसको ज़्यादा ग्लोरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। खैर, राजा की सेनाएं लूट मार करती थी। कई मुसलमान राजा यहाँ आए जिन्होंने लूट मार की, लूट मार करके चले गए। पर बाद में कई मुसलमान शासकों ने यहाँ राज्य किया। और जो मुसलमान राजाओं ने यहाँ राज्य किया, क्या वो यहाँ की संपत्ति लूट कर बाहर ले गए? यस नो? नहीं। यहाँ रहे, यहाँ मरे, इसी मिट्टी में खाक हो गए। अंग्रेज वो पहले शासक थे जिन्होंने राज भी किया और यहाँ की संपत्ति लूट कर इंग्लैंड ले गए। और इसी के साथ हमारी आधी मुसीबतें चालू होती हैं जो सांप्रदायिक राजनीति के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है। तो खैर, अंग्रेज आए, उनको यहाँ की संपत्ति लूट कर ले जाना है। तो मान लीजिए नागपुर के संतरे बहुत अच्छे हैं, बचपन की याद आ गई, उनको इंग्लैंड ले जाना है तो पहले कहाँ ले जाना पड़ेगा? नागपुर से बॉम्बे ले जाना पड़ेगा। तो अंग्रेज़ों के आने के पहले नागपुर से बॉम्बे संतरे कैसे ले जाते थे? कौन सी गाड़ी थी? बैलगाड़ी। अंग्रेज़ों ने बोला ये बैलगाड़ी कब नागपुर से निकलेगी, कॉटन मार्केट से कब बम्बई पहुंचेगी? तो उसके बदले वो क्या लाए? रेलगाड़ी। याद रखिए, पहला परिवर्तन रेल। दूसरा, ब्रिटिश वाइसराय कोलकाता में रहता है, उसको अपने लेटर्स भेजने रहते हैं, अपने ऑफिसर्स उसके देश भर में हैं, उसको लेटर्स भेजने हैं। तो ज़रा थोड़ा अगर हो सके तो बता दीजिए, अंग्रेज़ों के आने के पहले लेटर्स कौन ले जाता था? नहीं, कबूतर। कबूतर, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर। पर आपको एक प्रॉब्लम बता दूं, कबूतर ऑफिशियल लेटर नहीं ले जाते थे, जनरली लव लेटर्स ले जाते थे फालतू। एनीवे, अंग्रेज़ों ने बोला कबूतरों से क्या काम निकालेंगे? तो बोला है टेलीफोन, टेलीग्राफ, पोस्टल सिस्टम, जिसको मैं कहूँगा मेल। पहले आया रेल, अब क्या आ गया? मेल। अब तीसरा, आधुनिक शिक्षा, जिसके बारे में मैं विस्तार में बात करूंगा। आधुनिक शिक्षा, नई न्याय व्यवस्था, नई न्याय व्यवस्था, जिसका एक भाग था जेल, राइट? तो अंग्रेज हम कैसे याद रखेंगे? अंग्रेजों के आने के बाद 3 परिवर्तन कौन से आए? रेल, मेल और जेल। वेरी गुड, ये है, ये अंग्रेजों के परिवर्तन आए। इसी के साथ 3 नए वर्ग अस्तित्व में आए। ये 3 वर्ग कौन से आए अस्तित्व में आए? पहले व्यापारी, उद्योगपति, व्यापारी, पूंजीपति, टाटा, बिरला, बजाज, सिंघानिया, डालमिया, जिन्होंने जैसे नागपुर में इम्प्रेस मिल डाली 1885 में, अगर आपको याद होगा, फैक्ट्रियां डाली। तो पहला आया पूंजीपति वर्ग, फैक्ट्रियां डाली, फैक्ट्रियों में काम कौन करेगा? मजदूर। तो दूसरा वर्ग आया मजदूर वर्ग। और तीसरा आया आधुनिक शिक्षित वर्ग। याद रखिए, ये थोड़ा एक क्रूशल पॉइंट है, इसको हम समझ जाएंगे तो ये बात क्लियर हो जाएगी कि आज धर्म के नाम की राजनीति यहाँ के संविधान के लिए खतरा क्यों है। ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इनको मैं कहता हूँ उभरते हुए वर्ग, द राइजिंग क्लासेस। और 3 वर्ग कौन से हैं? व्यापारी, उद्योगपति, मजदूर वर्ग और शिक्षित वर्ग। अब दोस्तों ये बताइए, पुराने वर्गों का क्या हुआ? पुराने वर्ग कौन थे यहाँ? राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार। क्या वो खत्म हो गए? खत्म नहीं हुए, वो भी चलते रहे। तो ये वर्ग उभरे
ये वर्ग डूबे, और ये वर्ग जब डूबे, जब नई व्यवस्था आने लग गई, अब नया भारत बन रहा है, नया भारत बन रहा है। और नए भारत के बनने में दो महत्वपूर्ण चीज़ों को मैं आपको अंडरलाइन करूँगा, उसमें एक है दलितों के लिए शिक्षा, वेरी इंपॉर्टेंट। और दलितों के लिए शिक्षा जो थी वो यहाँ के सवर्ण संभ्रांत वर्ग को मंजूर नहीं थी। तो दलितों की शिक्षा जब चालू हुई तो उसके खिलाफ, उसको रोकने के लिए उन्होंने बहुत सारी अफवाह, अफवाह मराठी का मनता अफवाह से मनता र्यूमर फैलाई। आपको तो पता होगा अफवाह में बहुत ताकत होती है, कई बार दंगे कराती, कई बार गणपति की मूर्ति को दूध भी पिला देती। तो अफवाह क्या फैलाई गई, कलयुग आले शिक्षा गेली शूद्रा घरी। हे भगवान क्या घोर कलयुग आ गया है, शिक्षा की देवी सरस्वती शूद्रों के घर जा रही है। तो मैं पूछता हूँ, कलयुग वो युग है, कलयुग वो युग है जिसमें शूद्र और स्त्रियों को शिक्षा की संभावना है, यस नो? सतयुग में ये संभावना नहीं है। तो कौन सा युग चाहिए आपको, सतयुग या कलयुग, फैसला आपका है, मुझे इसमें कोई लेना देना नहीं है। एनीवे, तो कलयुग आले शिक्षा गेली शूद्रा घरी, और इसी के साथ सावित्री बाई फुले आती हैं। सावित्री बाई फुले स्त्रियों के लिए शिक्षा की बात करती हैं, स्कूल खोलती हैं जिसमें उनकी सहेली फातिमा शेख एक टीचर बनती हैं। लड़कियों की शिक्षा की शुरुआत होती है। अब लड़कियों की शिक्षा वेरी डेंजरस, तो समाज का सवर्ण संभ्रांत तबका खड़ा हो गया स्त्रियों की शिक्षा को रोकने के लिए। सावित्री बाई फुले पर पत्थर फेंके गया, कीचड़ फेंका गया, गोबर फेंका गया, पर वो बहादुर महिला अपने काम पर डटी रही। अब जब इससे शिक्षा नहीं रुकी लड़कियों की, तो एक अफवाह फैलाई गई, और ऑडियंस में जो महिलाएं हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा इस अफवाह से डरिएगा मत, क्योंकि मैं इसको जीवंत प्रमाण में आपको देने वाला हूं। अफवाह क्या फैलाई गई, जो स्त्रियां पढ़ लिख लेंगी वो जल्दी विधवा हो जाएंगी। डोंट बी स्केयर्ड, मेरी पत्नी बहुत पढ़ी लिखी MBBS डॉक्टर है, 40 साल से मुझे टॉलरेट कर रही है, इस मिनट तक विधवा नहीं हुई, आगे का मुझे पता नहीं है। एनीवे, स्त्रियों की शिक्षा की शुरुआत, और ये भारत के बनने की शुरुआत थी। और इसी के साथ तीन नए संगठन उभरते वर्गों में बीच में से आए। तो उभरते वर्ग में से तीन संगठन कौन से आए, उनके नाम का ख्याल कीजिए। आजकल नाम का पॉलिटिक्स चल रहा है, नाम बदलने का पॉलिटिक्स चल रहा है, पता नहीं नागपुर का नाम बदल के क्या करेंगे, पर यहाँ नाम इम्पॉर्टेंट है। उभरते वर्गों में से तीन संगठन आए, उसमें पहले मेरे जो अपने जिनके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर, उन्होंने बहुत सारे संगठन बनाए। क्या उन्होंने धर्म के नाम वाला कोई संगठन बनाया, यस नो? नहीं, एक ही संगठन याद रखिएगा, उनके विचारों के आधार पर जो पार्टी बनी उसका नाम क्या था, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया था। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस पार्टी के बहुत सारे टुकड़े हो गए, क्योंकि हम आपस में लड़ने में हमको ज़्यादा मज़ा आता है, दूसरों से कब लड़ेंगे। खैर, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। दूसरे सरदार भगत सिंह, किसी को याद है उनके संगठन का नाम, नौजवान भारत सभा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। और तीसरा एक संगठन देखिए जिसने आज़ादी के आंदोलन का नेतृत्व किया, या मैं एक के बदले चार नाम ले रहा हूँ, नाम का ख्याल कीजिएगा। पहले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, एनी बेसेंट, सरदार बलदेव सिंह और मोहनदास करमचंद गांधी। पार्टी का नाम लेने से डरिएगा मत, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इन तीनों का नाम ख्याल रखिए, नौजवान भारत सभा, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब डूबते वर्गों के लोगों, राजा नवाब जमींदार जागीरदार, हिंदू मुसलमान साथ में आए, बाद में उनमें से दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस बने। शुरू में इनमें केवल राजा थे, नवाब थे, जमींदार थे, जागीरदार थे, बाद में चलकर कुछ एडवोकेट्स, कुछ शिक्षित वर्ग के लोग इनके साथ ज्वाइन हो गए। और इनमें दो पार्टियों के नाम मैं शुरू में आपको बताऊंगा, और वो दो नाम हैं, एक थे मोहम्मद अली जिन्ना, पार्टी का नाम किसी को याद है, मुस्लिम लीग, और दूसरा नाम तो आपको जरूर याद होगा क्योंकि अपने महाराष्ट्र में उनको वीर कहा जाता है, जो अंडमान की जेल में थे, ब्रिटिश वाइसराय को 5 बार माफी का लेटर लिखा, छूट कर आए, और बाद में उन्होंने एक पार्टी ज्वाइन की, पार्टी का नाम क्या था, हिंदू महासभा। ख्याल कीजिए, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, और मुस्लिम लीग ने मुस्लिम राष्ट्र की बात की, हिंदू महासभा ने कौन से राष्ट्र की बात की, हिंदू राष्ट्र की बात की।
और इसी हिंदू राष्ट्र की बात को लेकर एक और संगठन 1925 में बना, वो अभी मैंने आपको बताया क्या नाम है उसका, आरएसएस। आरएसएस पे मैं और आऊँगा फिर से, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। कौन सा राष्ट्र चाहिए उसको? हिंदू राष्ट्र चाहिए। तो इधर के नाम देखिए, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, हिंदू राष्ट्र के लिए आरएसएस। इधर के नाम देखिए, नौजवान भारत सभा, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो दोस्तों, इन लोगों ने आधुनिक भारत के निर्माण में मदद की, और ये लोग हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, आरएसएस आज़ादी के आंदोलन से दूर रहे, इनको आधुनिक भारत के बनने में कोई रुचि नहीं थी। खैर, अब इधर अंबेडकर के सिद्धांत, भगत सिंह का जोश और गांधी की एकता, इसके आधार पर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष हुआ, और इसी का जो मुख्य रूप है हमें भारतीय संविधान के रूप में देखने को मिला। तो मैं यह दो व्यक्तियों को आपके सामने रख रहा हूँ गवाह के रूप में, एक उभरते मूल्यों का प्रतिनिधि है और दूसरा डूबते मूल्यों का प्रतिनिधि है। उभरते मूल्यों के प्रतिनिधि के रूप में मुझे बताने की जरूरत नहीं है, भीमराव बाबा साहब अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन में बहुत आंदोलन किए। कालाराम मंदिर का आंदोलन आपको पता है या बताऊं कि आप हमको हिंदू मानते हो, मंदिरों में नहीं आने देते, मंदिरों में आने का अधिकार हमको चाहिए बराबरी के लिए। सबरीमाला में फिर से वही मामला हो रहा है, मामला स्त्रियों को हम मंदिर में नहीं आने देंगे। मुझे डॉक्टर अंबेडकर की फिर से याद आ गई। खैर, कालाराम मंदिर का आंदोलन, फिर चौदार तालाब का आंदोलन, और इसी के समांतर चलने वाली एक और प्रक्रिया डॉक्टर अंबेडकर की, वो है मनुस्मृति को जलाना। मनुस्मृति का दहन करते समय अंबेडकर जी ने मन में सोचा होगा, मनुस्मृति में शूद्र और स्त्रियों की गुलामी के कानून दिए हैं, मनुस्मृति में शूद्र और स्त्रियों की गुलामी के कानून दिए, ये कानून मुझे मंजूर नहीं है, इसलिए मैं इस किताब को जला रहा हूँ। वही डॉक्टर अंबेडकर बाद में जाकर भारतीय संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने। राइट रॉन्ग, अंबेडकर ऐसे खड़े हैं, क्या जला रहे? मनुस्मृति। क्या बना रहे? भारतीय संविधान। और इधर दूसरे एक व्यक्ति का नाम ले रहा हूँ जो यहीं रहते थे पहले, शायद 20-22 साल पहले, आपसे 15-20 किलोमीटर दूर, उनका नाम है के सुदर्शन। वैसे तो बहुत सारे मैं रेफरेंस दे सकता हूँ, किसने भारतीय संविधान के बारे विरोध में क्या क्या बोला, बहुत सारे बोला, एक उनका मुख्य नाम ले रहा हूँ, के सुदर्शन जी। उन्होंने 2000 में एक बयान दिया था, उन्होंने कहा भारतीय संविधान विदेशी मूल्यों पर बना है, इसको फेंक दो और एक ऐसा संविधान लाओ जो भारतीय धर्म ग्रंथों पर आधारित हो। वो कौन सा भारतीय धर्म ग्रंथ है जिसमें समाज के नियम दिए? मनुस्मृति। तो ख्याल कीजिए दोस्तों, अंबेडकर क्या कह रहे हैं, मनुस्मृति जलाओ, भारतीय संविधान लाओ, और के सुदर्शन क्या कह रहे हैं, भारतीय संविधान हटाओ, मनुस्मृति को नए रूप में वापस लाओ। ये इसका क्रक्स है कि आज़ादी के आंदोलन के दौरान जो जगह मिली, जो स्पेस हमें मिला दलितों को, महिलाओं को, आदिवासियों को बराबरी की तरफ आने के लिए, उसका विरोध इन लोगों ने किया जो जमींदारी के मूल्यों में विश्वास रखते थे, जो ऊंच नीच के मूल्यों में विश्वास रखते थे, जो राजाशाही के मूल्यों में विश्वास रखते थे। और ये ऊंच नीच का जो मूल्य राजाशाही से जुड़ा होता है, जिसको आज केवल हिंदू मुसलमान के रूप में देखा जाता है, राजाशाही का मूल्य पूरी दुनिया में ऐसा ही था, उसमें ऊंच नीच जन्म से बंधी होती है, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि डूबते वर्ग भारत में समाप्त नहीं हुई, डूबती राजनीति समाप्त नहीं हुई, डूबती विचारधारा समाप्त नहीं हुई। ये ऊंच नीच कैसे होती है, थोड़ा सा मैं आपको समझ लूँ, आपको ये अपनी बात रख दूँ। मान लीजिए मैं 1000 साल के पहले के समाज में एक शूद्र दलित अछूत किसान हूँ, मेरी मदद कीजिए, मैं कुछ करना चाहता हूँ, मुझे अपने राजा के दरबार में जाना है। आपने मुझे पहचान लिया, मैं कहाँ जा रहा हूँ, राजा के दरबार में। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरा राजा वहाँ बैठा है, बताइए राजा कुर्सी पे बैठा है, बेंच पे बैठा है या सिंहासन पे बैठा है? सिंहासन पे बैठा है। राजा के सिंहासन का लेवल मेरे से नीचा है, मेरे बराबर है या मेरे से ऊँचा है? ऊँचा है, नंबर एक, थैंक यू वेरी मच। अब मैं राजा के दरबार में जब जा रहा हूँ तो मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी होना चाहिए? बॉडी लैंग्वेज इंग्लिश वर्ड है, मैं रतनलाल जी से पूछ लूँगा उसका हिंदी में क्या अनुवाद करूँ, बाद में कभी कर लूँगा। बॉडी लैंग्वेज, ऑप्शन ए सिर ऊपर छाती बाहर, ऑप्शन बी सिर झुका हुआ कमर झुकी हुई और मैं सलाम या नमस्ते कर जाऊँ, ए या बी कैसे जाऊँ?
वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी जान बचा ली। अगर मैं छाती बाहर निकाल के जाता तो मारा जाता। अब मैं राजा के दरबार में गया, राजा के दरबार में जाकर मैंने अपना दुखड़ा रोया। मैं ऐसे ऐसे चल के गया, अब मेरी बात पूरी हो गई तो मैं स्वाभाविक रूप से यू टर्न लेकर वापस आ जाऊं? नहीं, क्या करूं मैं, उल्टे पांव, रिवर्स गियर। फिर से आपने मेरी जान बचा दी, मैं यू टर्न नहीं ले सकता। क्यों? यू टर्न दिखा, मैंने लिया तो राजा को मेरी पीठ दिख जाएगी, और राजा को अपनी पीठ दिखाना राजा का अपमान माना जाता था। क्योंकि धर्मगुरु में ये क्या सिखाता था, धर्मगुरु सिखाता था राजा जो है वो डायरेक्टली ऊपर वाले का बेटा है, और मेरे जैसे लोग ऐरे गैरे नथु खैरे, वो ऊपर वाले का बेटा, मैं ऐरा गैरा नथु खैरा, मैं उसके सामने पीठ कैसे दिख सकता हूँ। ये हायरार्की नंबर वन, ऊंच नीच एक प्रकार की। और दूसरी, इसी ऊंच नीच को डॉक्टर अंबेडकर बताते हैं, भारतीय समाज एक चार मंजिला इमारत की तरह है। इसमें चार मंजिलें तो हैं, वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, पर इस बिल्डिंग, इस इमारत में सीढ़ियाँ नहीं है। सीढ़ियाँ नहीं है तो प्रॉब्लम किसको है, ऊपर वाले को तो नीचे आना नहीं है, नीचे वाला ऊपर जा नहीं सकता। ये ऊंच नीच एक। और दूसरी ऊंच नीच पुरुष और स्त्री की, अभी आपको याद होगा रूलिंग पार्टी है, केंद्र में सरकार है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देता है कि जेंडर इक्वालिटी, स्त्री पुरुष समानता के आधार पे सबरीमाला में स्त्रियों को प्रवेश मिलना चाहिए। एक दिन में बोलते हैं हाँ भैया मिलना चाहिए, हम भी स्त्री समानता को मानते हैं। फिर केरल में जाके देखा, अरे यहाँ तो अपना कोई एमपी एमएलए ज़्यादा है ही नहीं, एक आध है, मौका अच्छा है। उधर बाबरी मस्जिद बनी थी, इधर सबरीमाला को लेके आओ, और वहाँ जाके उन्होंने आंदोलन खड़ा कर दिया। तो उनकी जो बराबरी की बात है वो खोखली बात है, खोखली बात। अगर सच्चाई हो तो मंदिर में हो, मस्जिद में हो, हमारे यूनिवर्सिटीज़ में हो, हर जगह स्त्री और पुरुष की समानता एक प्रकार से चलनी चाहिए। खैर, अब ये जो भारत में संविधान बना, याद रखिए शुरू से मैंने कहा मैं मुख्य ताकत के बारे में बात करूंगा। पहली बात तो ये है कि भारतीय संविधान के बनने के बाद तुरंत उस समय एक इनका एक माउथपीस, न्यू ये होता है ना मुखपत्र, ऑर्गेनाइजर पांचजन्य, भारतीय संविधान इधर बना तो उसने आलोचना चालू कर दी। ये भारतीय संविधान क्या बनाया इन्होंने, ये इन्होंने अध्ययन किया जो किया, इसमें तो हमारे जो महान सिद्धांत हैं भगवान मनु के दिए हुए उसका कोई उल्लेख ही नहीं है, पहली आलोचना चालू। उसके बाद उन्होंने एक पार्टी बनाई, आपको याद होगा उसका नाम था भारतीय जनसंघ। अपने नागपुर में वो सुमति बाई शुक्लीकर वो ए बी वर्धन के खिलाफ लड़ती थी, आपको कईयों को याद होगा मेरे जैसे जो उम्र में ज़्यादा है, भारतीय जनसंघ। और भारतीय जनसंघ ने, मैं उसमें एक दीनदयाल उपाध्याय थे, उन्होंने कहा ये भारतीय संविधान भारतीय मूल्यों से मेल नहीं खाता। और तीसरी बात लगातार आज भी जो वो कहते हैं, उन्हें मुख्य तकलीफ जो है, जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं उन्हें तकलीफ है कि भारतीय संविधान बराबरी की बात करता है। आप बराबरी का लक्ष्य रखेंगे तो उस तरफ जाने की कोशिश करेंगे, बराबरी का गोल नहीं होगा, लक्ष्य नहीं होगा तो उधर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए कर्नाटक के एक मंत्री हैं, शायद उनका नाम है अनंत कुमार हेगड़े, उन्होंने क्लियर कह दिया कि भाजपा सत्ता में इसीलिए आई है ताकि वो संविधान को बदल सके। और ये संविधान को बदलना, तो आज दो प्रकार की ताकतें हैं, एक प्रकार की ताकतें कुछ ढुलमुल हैं, अवसरवादी हैं, कुछ ईमानदार लोग भी हैं, और दूसरी तरफ की ताकतें एक बहुत चालाकी से योजनाबद्ध तरीके से खुद को लगातार मजबूत कर रही हैं ताकि वो भारतीय संविधान को बदलकर ऐसे मूल्यों को ला सके जो ऊंच नीच के हों। और ये भी आपको बता दूं कि जो भी देश पाश्चात्य के कुछ देशों के गुलाम रहे हैं वहां इस प्रकार के कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, धर्म के नाम की राजनीति श्रीलंका में भी चल रही है, म्यांमार में चल रही है, बांग्लादेश में है, पाकिस्तान में है, इजिप्ट में है। भारत अभी तक एक अच्छे रास्ते पर चलने वाला की कोशिश कर रहा था, कोई मैं ऐसा नहीं कर रहा था, ऐसा नहीं कह रहा कि संविधान बना और लागू हो गया, पर संविधान बना तो वो लागू हो सकने की कोशिश, संघर्ष, आंदोलन करने का हमें अधिकार है, उस रास्ते पर हम जा सकते हैं। तो ये लोग ज्यादातर जिसको वेस्टर्न कहते हैं, पाश्चात्य कहते हैं,
वास्तव में वो बराबरी के मूल्य हैं, इनको समता के मूल्य मंजूर नहीं है, इसलिए भारतीय संविधान के खिलाफ खड़े हैं और ये उनका एक एजेंडा है। तो दो प्रकार के एजेंडा आ गए, एक प्रकार का वो एजेंडा जो मोटे तौर पे जिनको मैं कह सकता हूँ लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष एजेंडा जिसमें सबकी बराबरी की बात की जाती है, और दूसरा एजेंडा वो जो धर्म के नाम पर गैर बराबरी ऊंच नीच की राजनीति को लाना चाहता है, और यही हमारी एक। तो ये जो ऊंच नीच की राजनीति वाले हैं इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा इसको भी हम समझ लें। आरएसएस 1925 में बना, मैं उनकी तारीफ करता हूँ कि वो लगातार काम करते रहे, यहाँ उनकी तारीफ करना बहुत ज़रूरी है, और आज इस भयंकर रूप में आ गए कि वो सत्ता के, पूर्ण सत्ता के बहुत करीब हैं। उससे हम बच सकते हैं कि नहीं, ये आने वाले चुनाव में पता होगा, आने वाले समय में पता होगा, दैट आई डोंट नो, पर वो लगातार काम करते रहे। उनकी थ्योरीज बहुत आसान हैं, जैसे अम्बेडकर इतना बड़ा साहित्य लिख कर गए कि हमारे जैसे आम व्यक्ति को पढ़ने में ही पूरी ज़िंदगी निकल जाए, आरएसएस में ऐसी कोई तकलीफ नहीं है, चार लाइन का एक का एजेंडा है, हम अनादिकाल से एक हिंदू राष्ट्र रहे हैं, हमारे समाज में जातियाँ थी पर सब जातियाँ बराबरी थी, स्त्री पुरुष में कोई असमानता नहीं थी। तो प्रॉब्लम कहाँ से आया, बोले प्रॉब्लम केवल बाहर से आया, मुसलमान राजा आए, धर्मांतरण करना चाहा, उन्होंने हमारे स्त्रियों पर बुरी नज़र डाली, तो प्रॉब्लम चालू हो गया। अब वो ऐसी बात कर रहे हैं कि जैसे हमने मनुस्मृति ना पढ़ी हो, समाज की ऊंच नीच मनुस्मृति में दी हुई है, स्त्री के समाज में जगह ये भी मनुस्मृति में दी हुई है, पर ये आज क्योंकि लोग पढ़ते नहीं हैं तो इस बात से वो खपाना चाहते हैं कि एक आदर्श समाज था, और दूसरी बात हम अनादिकाल से एक हिंदू राष्ट्र हैं। मैंने अभी आपको बताया हिंदू शब्द तथा कथित हिंदू धर्म ग्रंथों में नहीं है, हिंदू शब्द ये फारसी भाषा से आया, कैसे आया, अरब देशों के लोग, फारसी देशों के लोग, उस तरफ के देशों के लोग इस तरफ आते थे। अब ये बताइए, पहले कोई वीसा पासपोर्ट का सिस्टम था क्या, वीसा पासपोर्ट का सिस्टम नहीं था, सबे भूमि गोपाल की, जिधर आना है आइए जाइए, आ रहे भी यहाँ विदेशों से आए, नो प्रॉब्लम, मुझे तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है, जो जिसकी मर्जी थी उस तरफ से जाता रहता था, पर ये हिंदू उस तरफ से आए, हिंदू शब्द आया, और इन्होंने एक चित्र बनाने की कोशिश की है कि हम अनादिकाल से एक हिंदू राष्ट्र हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, राष्ट्र क्या होता है, राष्ट्र लोगों का वो समूह होता है जो एक दूसरे के संपर्क में रहता है, राष्ट्र लोगों का वो समूह होता है जिसमें बराबरी की दिशा चलती है। अब पहले का समाज अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अनादिकाल में पहले मनुष्य शिकार करता था, यस नो, सभी जानवरों का शिकार करता था, या वो देखता था नहीं ये तो मेरी माता है इसका शिकार मैं नहीं करूँगा, ऐसा तो नहीं था ना, जो खाने को मिला खा लिया, उसको हम राष्ट्र कह सकते हैं क्या, नहीं कह सकते। उसके बाद पशुपालक अवस्था, द नोमैडिक ट्राइब्स जो हमारे वेदों में जिसका वर्णन है, उस समय भी राष्ट्र नहीं था, राजाशाही को भी राष्ट्र नहीं कह सकते, पर दुर्भाग्यवश आज ये बात बहुत पॉपुलर होती जा रही है कि हम अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र थे, या विदेशी आए और उन्होंने आक्रमण करके हमारे राष्ट्र को बर्बाद कर दिया, ये पूरी पूर से एक गलत विचारधारा है। समाज हमेशा मेल जोल से बढ़ता है, याद रखिएगा, आज हमारे खाने पीने की चीज़ें हो, कपड़ा पहनने की चीज़ें हो, किताबें पढ़ने की चीज़ें हो, सब में पूरी दुनिया का मेल जोल है। अगर अंबेडकर जी केवल भारतीय किताबों पे अपने आप को सीमित रखते तो इस प्रकार की विद्वत्ता, इस प्रकार का ज्ञान, इस प्रकार का क्रांतिकारी चरित्र उनकी लेखनी में नहीं आ सकता। ज्ञान और मूल्य ये पूरी दुनिया के होते हैं, उनको एक सीमा में बांधना ये गलत बात होती है जो आज करने की कोशिश की जा रही है। तो खैर, धर्म के नाम की जो राजनीति हो, तालिबान हो, इजिप्ट में मुस्लिम ब्रदरहुड हो, या म्यांमार में बुद्ध धर्म के नाम पे राजनीति करने वाले हो, ये ज़्यादातर लोग केवल पहचान के मुद्दों की बात करते हैं, पहचान, आइडेंटिटी, हमारा मंदिर, हमारी गाय, हमारी हमारा नाम, इसी आधार पे वो अपने एजेंडा को ले चलना चाहते हैं। और जो हमारे वास्तविक सवाल हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी और बराबरी के अधिकार, इससे पूरी तरफ से वो हमारा ध्यान हटाना चाहते हैं। ये हमारे संविधान के मूल्यों के तो खिलाफ है, खास तौर से हमारे समाज में जो एक राज्य की कल्पना होना चाहिए, राज्य वो होना चाहिए जिसने लोगों की
बराबरी का आदर करना चाहिए, बराबरी लाने की कोशिश करना चाहिए, लोगों के बीच से गरीबी, रोटी कपड़ा मकान की समस्या को हल करना चाहिए। आज बड़े दुख की बात है कि देश में करोड़ों नौजवान बेरोजगार हैं और जिसका भंडार भर रहा है वो दो चार बड़े पूंजीपति हैं। हजारों किसान आत्महत्या कर रहे हैं और जो मुद्दा लाया जा रहा है वो राम मंदिर का मुद्दा लाया जा रहा है। तो इसमें मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इस बात को सोचिए कि जो सिद्धांतों को आज़ादी के माध्यम के दौरान, आज़ादी के आंदोलन के दौरान डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने रखा, उनका विकास कैसे हो सकता है? उनका विकास केवल एक तरीके से हो सकता है और वो है हमारे मानव अधिकारों के आंदोलन को मजबूत करना। और ये मानव आंदोलन, अधिकारों के आंदोलन, ये किसानों के हो, आदिवासियों के हो, महिलाओं के हो, मजदूरों के हो, नौजवानों की नौकरी के लिए हो, इन सब आंदोलनों के आधार पर ही हम समाज को बदल सकते हैं। पर पिछले चार साढ़े चार साल में जो प्रक्रिया हुई है वो यही हुई है कि जो भी रूलिंग पार्टी से विरोध दिखाए उसको एंटी नेशनल करार दिया जा रहा है। आपने भारत माता की जय नहीं बोली, आप एंटी नेशनल हो। आप जेएनयू में रह के खुला विवाद करते हो, आप एंटी नेशनल हो। किस प्रकार से केसेस बनाए गए रोहित वेमुला के खिलाफ, कन्हैया कुमार और उसके दोस्तों के खिलाफ, हमारे यूनिवर्सिटी सिस्टम को किस प्रकार से ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है वो रतनलाल जी ने बहुत अच्छे से बताया, उसको मैं नहीं दोहराऊंगा। पर मुख्य रूप से पिछले साढ़े चार साल में ये क्लियर हो गया कि अगर कोई ताकत भारतीय संविधान को जड़ से उखाड़ेगी, जड़ से उखाड़ना चाहती है, तो वही ताकत है जो आज हिंदू धर्म के नाम पर हिंदू राष्ट्र को लाने की राजनीति है। मुझे हिंदू धर्म से, हिंदू धर्म के मानवतावादी मूल्यों से कोई विरोध नहीं है। ब्राह्मणी हिंदू धर्म का मैं पूरा विरोध करूंगा, पर हिंदू धर्म में वो भी परंपराएं हैं, नाथ, तंत्र, भक्ति वगैरह, जिन्होंने मानवता की बात की, तो हम पूरी चीज़ों को रिजेक्ट नहीं करना चाहते, अपने मूल्यों के आधार पर हम चलें। पर निश्चित रूप से जो जिस प्रकार अम्बेडकर जी कहते हैं हिंदू धर्म, ये हिंदुइज्म इज ए ब्राह्मणिक थियोलॉजी, क्या मतलब है उसका कि हिंदू धर्म में सबसे जो महत्वपूर्ण, सबसे पावरफुल, सबसे असर्टिव जो टेंडेंसी है वो है ब्राह्मणिज्म। ब्राह्मणिज्म यानी क्या? जन्म जात ऊंच नीच। जन्मजात ऊंच नीच किसकी? एक जाति की, दूसरी लिंग की। तो खैर, दो प्रकार के संघर्ष, दो प्रकार की यात्राएं चल रही हैं। एक यात्रा वो जो संविधान के मूल्यों को विकसित करके समाज में लोकतांत्रिक मूल्यों को गहरा बनाए, ये एक लाइन से नहीं चलता, कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है और कोशिश बरकरार रहती है। और दूसरी तरफ से वो मूल्य हैं जो धर्म के नाम पर पुराने ग्लोरीफाइड पास, हमारा स्वर्णिम युग था, पुराना भारत, उसके आधार पर जो ऊंच नीच के मूल्यों को समाज में लाने की कोशिश कर रही है। मेरे ख्याल से आज डॉक्टर अम्बेडकर को सही श्रद्धांजलि ये होगी कि हम लोकतंत्र के मूल्य, खास तौर से समता के मूल्य को समझें। और जो हमारे सामने एक छलावा पैदा किया जा रहा है मंदिरों के नाम पे, गाय के नाम पे, नाम बदलने के नाम पे, उस छलावे को, उस इल्यूजन को तोड़कर वास्तविक उन मूल्यों पर आए जो हमको समता के रास्ते की तरफ ले जाएं। और इसके लिए निश्चित रूप से समाज में एक अलायंस बनने की ज़रूरत है। समाज में आज जो नफरत फैलाई जा रही है उसका मुकाबला करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये नफरत के आधार पे हिंसा करवाई जाती है। यहाँ एक बात का जवाब दे दीजिए, सांप्रदायिक दंगे होते हैं या करवाए जाते हैं? करवाए जाते हैं। ये क्यों करवाए जा सकते हैं? क्योंकि समाज में नफरत फैलाई गई। तो न एक तरफ है गलत प्रचार मुसलमान राजाओं का, धर्मांतरण का वगैरह वगैरह, दूसरी तरफ है उसके कारण आने वाली नफरत, उसके बाद दंगे करवाना, उसके बाद समाज को ध्रुवीकृत करके चुनाव में जीतना। ये चार स्टेप्स पे हमें इंटरवीन करने के, हमें हस्तक्षेप करने की ज़रूरत इसलिए कि अगर समाज में इस प्रकार की नफरत रहेगी तो दलितों की बराबरी, स्त्रियों की बराबरी के संघर्ष इतने आगे नहीं जा सकते। हमारे सामने दोस्तों चुनौतियाँ बहुत बड़ी है। ये सांप्रदायिकता वास्तव में जो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा दुश्मन है, ये सांप्रदायिकता पिछले साढ़े चार साल में इसलिए बढ़ सकी कि एक ऐसी पार्टी सत्ता में है जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना को मानती है, जो
उस बड़े संगठन का भाग है जो हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की कल्पना को लेकर चल रहा है। तो मेरे लिए, मैं कोई चुनावी राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं हूँ। जैसे मैं ये मानता हूँ कि राजनीति रोज होती है, विचारों की राजनीति, और विचारों की राजनीति में हमें लोकतांत्रिक मूल्य, समता के मूल्य, संविधान के मूल्य को अगर जिंदा रखना है तो समाज में फैली हुई नफरत का मुकाबला करना पड़ेगा। समाज में ये जो नकली मुद्दे खड़े किए जा रहे हैं, मंदिर मस्जिद के, गाय के, इनका विरोध करने की ज़रूरत है और इस बात पर लाने की ज़रूरत है। आज हमारा सबसे बड़ा एजेंडा होना चाहिए किसानों की आत्महत्या को कैसे रोका जाए, हर साल कैसे हम नए रोजगार पैदा करें जिससे हमारे नौजवान नौकरियां पा सकें, और मूल रूप से इसी रास्ते पर चलकर हम अपने संविधान की रक्षा कर सकेंगे। और ऐसी ताकतें जो धर्म के नाम पे हैं, उनका उनको पूरा तिरस्कृत करके, रिजेक्ट करके एक उस रास्ते पर चलें जो रास्ता भगत सिंह ने दिखाया था, जो रास्ता अंबेडकर ने दिखाया था। मेरे ख्याल से उसी रास्ते पर चलकर हमारा संविधान मजबूत होगा और हमारे देश में समता और लोकतंत्र के मूल्य मजबूत होंगे। थैंक यू।